हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम चैप्टर 42 इलेक्शन कमीशन, चैप्टर 43 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चैप्टर 44 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस डे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? लक्षद्वीप कम्स अंडर द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट, यानी कि जो लक्षद्वीप है हमारा, जो कि एक तरह का यूनियन टेरिटरी है, वो किस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है? ऑप्शन ए कर्नाटक हाई कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी केरल हाई कोर्ट, डी तमिलनाडु हाई कोर्ट। इसका सही आंसर था केरल हाई कोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर कमेंट किया था। एंड ये रहा हमारा केरल हाई कोर्ट एंड दिस इज आवर लक्षद्वीप। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is not concerned with the superintendent's direction and control of elections to option A parliament, B state legislature, C office of president, D panchayats and municipalities। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इन चारों में से किसके इलेक्शंस नहीं करवाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, क्योंकि जो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज होते हैं इनका इलेक्शंस कराने के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुए थे 1992 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। एंड जहां तक बात है पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की एंड इनफैक्ट ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की भी, तो इन चारों का इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का चुनाव आयोग। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूपीएससी। सो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके रिगार्ड्स में तीन स्टेटमेंट है। पहला, इट इज अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, यानी कि यह एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। सेकेंड, इट इज सेंट्रल पर्सनल एजेंसी, यानी कि यह केंद्रीय कार्मिक एजेंसी है। तीसरा, इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष जो होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनको केवल और केवल प्रधानमंत्री द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, डी थ्री ओनली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि यूपीएससी विथ नो डाउट एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। किस तरीके से? क्योंकि यूपीएससी ही तो है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है एंड उस एग्जाम के बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस पार्टिकुलर इंडिविजुअल को किस तरीके की जॉब में हम अपॉइंट करेंगे। बट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूपीएससी एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी नहीं है, है ना? सेंट्रल पर्सनल एजेंसी कौन सी है? वो है डीओपीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और ये जो डीओपीटी होती है वो सेंट्रल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं एंड इनफैक्ट जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, उनका कैडर मैनेजमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सैलरी, उनकी सर्विस कंडीशंस, ये सारी चीजें डीओपीटी डिसाइड करता है। एंड डीओपीटी किसके कंट्रोल में रहता है? डीओपीटी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं और उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनको कौन हटा सकता है? केवल और केवल प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है जिसे आप फेमसली यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य किस अवधि के लिए पद धारण करते हैं? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 6 ईयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 ईयर्स। बट नोट करने वाली बात ये है कि ये जो 6 ईयर वाला टर्म है वो कंपलसरी नहीं होता। इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसे चेयरमैन या मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया यूपीएससी का, उसकी एज 65 हो जाती है, देन उस पार्टिकुलर पर्सन को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, भले ही वो 6 साल का टर्म कंप्लीट किया हो या ना किया हो, ठीक है? एंड सेम इज द केस इवन विद द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी। ठीक, एसपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनका टर्म 6 साल का होता है,
बट उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है, वो 62 होती है। जैसे कि अपनी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 62, और सुप्रीम कोर्ट में कितना, 65। सो वही गेम यहाँ भी चल रहा है यूपीएससी और एसपीएससी वाले केस में भी। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन। एट द स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाई ए प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे नेशनल लेवल पे एज फार एज इलेक्शन आर कंसर्न, टॉप पे कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो स्टेट लेवल पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है। चार ऑप्शन है आपके पास, आपको सही आंसर बताना है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने प्रेसिडेंट डिसाइड किया होगा ऐसा आंसर, बट प्रेसिडेंट इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड ही अपॉइंट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड ओनली बाय गवर्नर। यानी कि जो एसपीएससी होती हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य को अपॉइंट भी गवर्नर करेगा और रिमूव भी केवल और केवल कौन करेगा, गवर्नर। सेकंड, एसपीएससी कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल सर्विसेज। ठीक, करेक्ट क्या है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स जो होते हैं उनको अपॉइंट गवर्नर करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर, बट रिमूव कौन कर सकता है, केवल और केवल प्रेसिडेंट। एंड ऐसा ही कुछ होता था स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, लेकिन रिमूव केवल कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। ठीक, एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि एसपीएससी जो है सेंट्रल सर्विसेज के लिए एग्जाम नहीं लेती। इनफैक्ट ये तो लॉजिकली आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, नाम में ही लिखा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम क्यों कंडक्ट करेगा। सो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, नन ऑफ दी अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में पूछा जा चुका है। पहला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी, यानी इलेक्शन कमीशन में हमारे 5 members होते हैं। सेकंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। यानी कि जो गृह मंत्रालय होता है वो इलेक्शन शेड्यूल को डिसाइड करता है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स, मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, ए वन एंड टू ओनली, बी टू ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, डी थ्री ओनली। इसका सही आंसर है डी, थ्री ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एट प्रेजेंट क्या है, वो एक 3-member बॉडी है एंड नॉट अ 5-member बॉडी। बट ये नोट करने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होंगे। इनफैक्ट आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होंगे वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो 3 member रख सकता है, 5 रख सकता है, 10 रख सकता है, ठीक, कितने भी वो रख सकता है। बट प्रेजेंट में कितने हैं, 3, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि गृह मंत्रालय ये डिसाइड नहीं करता कि इलेक्शन शेड्यूल क्या होगा, कब इलेक्शन होंगे, कहाँ इलेक्शन होंगे, ये डिसाइड कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। थर्ड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है विथ रिगार्ड टू स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। अब ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इनके बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला, ये इन शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी से आप समझते क्या हो। ठीक है, पहला, एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेकेंड,
an agency for strengthening the structure of federalism, C, an agency for facilitating political stability and economic growth, D, an agency for the implementation of public policy. सबसे सही कौन सा है, सबसे सटीक कौन सा है ब्यूरोक्रेसी के रिगार्ड में, वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो जो कोई पॉलिसी सरकार बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है किसका, ब्यूरोक्रेसी का। ठीक, एथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। सो एक मैथी फॉलोइंग टाइप वाला क्वेश्चन है। ऑन द वन साइड वी हैव आर्टिकल 312, आर्टिकल 324, 315, 352 एंड ऑन द अदर साइड वी हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, नेशनल इमरजेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। सो करेक्ट पेयर आपको फाउंड आउट करना है एंड फॉर दैट आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड फाउंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है। आर्टिकल 315 इट डील्स विद पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स एंड आर्टिकल 352 डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, यानी कि 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टास्क। पहला, सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सेकंड, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। विच ऑफ द अबव आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ दो काम दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा काम इलेक्शन कमीशन का है। ए, वन ओनली, बी, टू ओनली, सी, बोथ वन एंड टू, डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वन ओनली। इनफैक्ट जो इलेक्शन कमीशन है उसका मेन काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही होता है एंड ये चीज कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 324 में। जहां तक बात है सेकेंड स्टेटमेंट की, सो किसी तरीके का इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो उसको रिजॉल्व इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट है तब सुप्रीम कोर्ट, बट अगर एमपी या एमएलए के इलेक्शन में डिस्प्यूट है तो हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टेंथ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि जो हमारा स्वतंत्र भारत था उसका पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। ए, टी एन सेशन, बी, वी एस रमा देवी, सी, शिवकुमार सेन, डी, सुनील अरोड़ा। इसका सही आंसर है सी, सुकुमार सेन, और ये है उनकी एक पिक। जहां तक बात है टीएन सेशन की, सो ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं एंड ही इज फेमसली नोन फॉर हिज नंबर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड सबसे बड़ा रिफॉर्म था इंट्रोडक्शन ऑफ एपिक कार्ड, यानी कि इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको आप आम भाषा में वोटर आईडी कार्ड कहते हो। ठीक है, बी, श्रीमती वी एस रमा देवी की जहां तक बात करें, सो शी इज द ओनली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सुनील अरोड़ा वो तो हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे एंड अप्रैल 2021 में वो रिटायर हो गए थे। ठीक है, 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूपीएससी। पहला, द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एन यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाई एन एक्ट मेड बाई पार्लियामेंट, यानी कि जो अधिकार क्षेत्र है यूपीएससी का उसको केवल और केवल संसद बढ़ा सकती है। सेकंड, इट इज कंसल्टेड व्हाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, यानी कि जब कभी हमें किसी तरह का रिजर्वेशन करना है किसी पोस्ट में किसी जॉब में तो हम यूपीएससी से कंसल्ट करते हैं, हम यानी कि सरकार। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन ए, वन ओनली, बी, टू ओनली, सी, बोथ वन एंड टू, डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है क्योंकि जो ज्यूरिस्डिक्शन है यूपीएससी का केवल और केवल पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि यूपीएससी को जब कभी रिजर्वेशन की बात हो तो उसे कंसल्ट नहीं किया जाता। ठीक है, सो
करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए वन ओनली। 12th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द एमर्जेंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 1964 अफेक्टेड द रोल ऑफ यूपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। यानी कि जो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था, उसने अनुशासनात्मक मामलों में यूपीएससी की भूमिका को प्रभावित किया है। सेकंड, यूपीएससी नॉट नीड टू बी कंसल्टेड फॉर टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स ऑफ लेस देन वन ईयर। यानी कि जो यूपीएससी होता है, उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी तरीके का टेम्पररी अपॉइंटमेंट कर रहे हो एक साल से कम के लिए। अब करेक्ट क्या है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। एंड जहां तक बात है सीवीसी की, तो उसने कैसे अफेक्ट किया यूपीएससी के रोल को डिसिप्लिनरी मैटर्स में? वो इस तरीके से, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो यूपीएससी एज वेल एज सीवीसी दोनों को कंसल्ट करती है जब कभी किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। बट गेम तब खराब होता है जब यूपीएससी किसी एक पार्टिकुलर मैटर में अलग एडवाइस दे और सीवीसी अलग एडवाइस दे। अब किसकी बात मानी जाए? यहाँ जो है फिर क्या होता है, टसल होता है, एक समझ लो एक तरह का फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से डिसिप्लिनरी मैटर्स पे यूपीएससी का रोल को अफेक्ट किया है सीवीसी ने। ठीक, 13th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर enjoy equal powers but receive unequal salary। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं एंड बाकी जो चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी पावर्स इक्वल होती है बट सैलरी अलग अलग होती है। सेकेंड, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years फ्रॉम द डेट ही assumes his ऑफिस और टिल द डे ही attains द एज ऑफ 62 years विच एवर इज earlier। सो कौन सा करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पहले स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं बाकी, उनकी पावर्स इक्वल होती है, साथ ही साथ उनकी सैलरीज भी इक्वल होती है। क्योंकि जब पावर इक्वल है, काम एक बराबर कर रहे हो, तो सैलरी भी तो बराबर ही मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर का टर्म होता है वो 6 साल का होता है पहली बात, एंड दूसरी बात, जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 साल की नहीं होती, वो कितने साल की होती है? 65 साल की। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, एंड करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। 14th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, यूपीएससी, एसपीएससी एंड जेएसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, JSPSC is a statutory and not a constitutional body. अब देखो, अब यहाँ जो है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऊपर कह रहा है कि JSPSC को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, नीचे कह रहा है कि JSPSC क्या है, वो एक स्टैचुटरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो यहाँ से आपके माइंड में एक क्लिक होना चाहिए कि कोई ना कोई स्टेटमेंट तो यहाँ गलत है, केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ सही हो सकता है। ठीक है, जेएसपीएससी क्या है? जेएसपीएससी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। सो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों में से केवल एक ही गलत है और एक सही है। सो सी और डी तो हो नहीं सकते। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जेएसपीएससी को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं करता, दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। Therefore, they are said to be a statutory body. ठीक? 15th question and आज का last question, इसका answer जो है आपको comment करके बताना है हमें। Who is the current Chief Election Commissioner of India? मतलब present में Chief Election Commissioner कौन है इंडिया के? A. सुशील चंद्र, B. सुनील अरोड़ा, C. OP रावत, D. AK ज्योति। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। सो डू कमेंट। एंड इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 45 फाइनेंस कमीशन एंड चैप्टर 46 गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।